के चलते हैं तो दूसरे हाथ से हमारा बुलडोजर जब चलता है ना, तो भाइयों बहनों ये बुलडोजर सड़क भी बनाता है, मेडिकल कॉलेज भी बनाता है और माफियाओं के घर से पैसा निकाल करके प्रदेश के खजाने को भी भरता है, समझ गए ना। और इसीलिए मैं आज आया हूँ आपके पास आप सबसे अपील करने के लिए। राजा मैंकेश्वर सिंह जी को आपके बीच में रहना था लेकिन चुनाव आयोग के कारण वे आज आपके बीच में यहाँ पर नहीं आ पाए। वे आपके सारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। राजा साहब जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी की हताशा और निराशा को व्यक्त कराता है लेकिन आज आपकी जो उपस्थिति है, आपका जो उत्साह है, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि स्वयं राजा साहब के प्रतिनिधि बन करके एक एक घर में एक एक वोट को कमल चुनाव चिन्ह पर डलवाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तैयार है, सभी लोग तैयार हैं, लेकिन भाइयों बहनों इसकी पहली शर्त क्या है? चुनाव के दिन जब 27 तारीख को वोट होगा क्या शर्त होगी? पहली शर्त होगी पहले मतदान। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। और भाइयों बहनों कोरोना से जो मौतें हुई हैं, कोरोना से इन मौतों के कारण पूरी दुनिया में एक भय और दहशत का माहौल है लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन बेहतरीन रहा। फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है पीछे तक सबसे बता करके मुझे सारा स्पष्ट करवाइए। वैक्सीन का पैसा नहीं लिया ना, यही है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। याद करिए सपा बसपा की सरकार होती तो वैक्सीन का भी पैसा आपसे ले लेते, वैक्सीन मार्केट में ब्लैक हो जाती। आप इस बात को मानते हैं ना? और यही नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि ये वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, ये मोदी का वैक्सीन है, बोलते थे ना, आज उनको बोलेंगे कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से हम ठीक हुए हैं तो वोट भी यही जाएगा, बोलेंगे ना। सभी लोग सहमत हैं? और भाइयों बहनों आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, डबल इंजन की सरकार बनी, प्रदेश में भी भाजपा और केंद्र में भी भाजपा दोनों जगह है ना, ये डबल इंजन की सरकार हो गई। तो डबल इंजन की सरकार का मतलब आप जानते हैं, राशन भी डबल डोज का मिलना है ना, महीने में दो बार राशन मिलना है, कोई भेदभाव तो नहीं है। भाइयों बहनों सपा बसपा की सरकार होती, सपा की सरकार होती तो उनके गुर्गे सारे राशन खा जाते, जो दाल मिल रही है ब्लैक हो जाती, तेल को ये सब स्वयं पी जाते। और बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों तो वाहन जी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही खा जाए, लेकिन आज तो मिल रहा है ना। हमारे इष्ट श्योतार भगवान गोरक्षनाथ जी के परम आराधक मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी,
उन्होंने कहा था बिन गुरु पंथ न पाइए। काश आजादी के बाद जायसी की इस बात को भारत के प्रत्येक मुस्लिम ने माना होता तो संभवतः वह न केवल संपन्न होता बल्कि किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से मुक्त भी रहता। जो दंगा कराते थे और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगाते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, आप उनको देख रहे होंगे, एक गले में तख्ती लटका के चलते हैं, कहते हैं साहब जान बकस दो सब्जी बेच करके पेट भर लेंगे, लेकिन अब किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे। सुरक्षा का वातावरण बना, कानून का राज हुआ। आज भाइयों बहनों प्रदेश में दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता। कर्फ्यू का आसमान किसने ले लिया है? कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और बमबाजी करने वाले कहां चले गए? अब बमबाजी नहीं होती है, हर हर बम बम का नारा लगाते हुए शिवभक्त बनते हैं। प्रदेश में एक नया वातावरण बना है तो नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधाएं भी बढ़ी है। और हमने तय किया है उत्तर प्रदेश के नौजवान को स्मार्ट बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को जो स्नातक परास्नातक आईटीआई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग मेडिकल या डिप्लोमा का कोर्स कर रहा है, फार्मेसी का नर्सिंग का कोर्स कर रहा है, ऐसे 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम भी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है चुनाव आयोग को, कहा एक टैबलेट और स्मार्टफोन नौजवानों को देने की आवश्यकता है। मैंने कहा नहीं, इसमें केवल सिफई खानदान का अधिकार है, हमारे नौजवान का है। और हमने तय किया है अभी एक करोड़ नौजवान को दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद सरकार बनने दीजिए, 2 करोड़ नौजवान को हम देंगे। 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। और भाइयों बहनों 2 करोड़ नौजवान को ही मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन। आपके विधायक ने, आपके सांसद ने आपके सपने को साकार कर दिया है। मैं तिलोही की जनता को, अमेठी की जनता को इसके लिए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों ये मेडिकल कॉलेज की सौगात समाजवादी पार्टी भी दे सकती थी, लेकिन उसके पास विकास का विजन नहीं था। समाजवादी पार्टी अपने एक अलग ही एजेंडे को लेकर चलती है। नहीं, लोक कल्याण का नहीं, गरीब कल्याण का नहीं, नौजवानों के रोजगार का नहीं, किसानों के उत्थान का नहीं और बेटियों की सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के एजेंडे में कोई स्थान नहीं है। समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, इन लोगों ने राजनीति की, लेकिन इनकी राजनीति का आधार जाति मत और मजहब हुआ करता था। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न लोग करते थे, समाज की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन भाइयों बहनों 2014 में आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को व्यापक समर्थन दिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के राजनीतिक एजेंडे को बदल करके रख दिया। और आज
जाति मत और मजहब नहीं, क्षेत्र और भाषा नहीं, राजनीतिक एजेंडे का आधार गांव बनता है, गरीब बनता है, किसान बनता है, नौजवान बनता है, महिलाओं की सुरक्षा और मैदान महिलाओं का स्वावलंबन बनता है, नौजवानों का रोजगार बनता है और अन्नदाता किसानों की खुशहाली बनती है। याद करिए 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, पहला निर्णय क्या हुआ था? अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का चारक है। मैंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से यही पूछा है, वो अपना स्पष्टीकरण दे, प्रदेश की जनता पूछना चाहती है उनसे कि आतंकवादियों के सपा का हाथ आखिर क्यों है आतंकवादियों के साथ, उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और भाइयों बहनों, क्या ये सच नहीं कि अहमदाबाद में जितने भी विस्फोट हुए थे सब साइकिल में बम लेकर के गए थे? क्या ये सच नहीं है? जगह जगह प्रदेश में जो विस्फोट हुए थे क्या इसमें साइकिल का इस्तेमाल नहीं हुआ था? और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, समाजवादी नाम है काम को, दंगावादी है या आतंकवादी है, इसके अलावा उनकी कोई सोच ही नहीं है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले मैं पूछना चाहता हूं तिलोई के लोगों से, भाइयों बहनों, 2013-17 के पहले आपको बिजली मिलती थी क्या? थोड़ा जोर से बोलना, बिजली मिलती थी? 17 के बाद तो बिजली मिल रही होगी ना? 17 के पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करती थी। याद रखना, 17 के पहले ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी, लेकिन होली और दीपावली में गायब हो जाती थी। हमने तो बिजली दी है ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, बिजली देने में कोई भेदभाव नहीं किया है ना। सबका साथ सबका विकास का।